शुक्रवार से नाबालिग बेटी की बरामदगी को लेकर एसएसपी कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे परिवार को आज लोक जनशक्ति पार्टी के शीर्ष नेता ने भी आज परिवार का समर्थन देते हुए आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। हम आपको बता दें कि पीड़िता की पुत्री 7 माह पूर्व से लापता है, जो अपनी नानी के घर से काशीराम नगर बी ब्लॉक मकान नंबर 117 ट्रिपल स्टोरी मुरादाबाद से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकली थी। देर शाम बीच जाने के बाद भी जब पुत्री घर वापस नहीं लौटी तो बच्ची के परिवार वालों ने थाना मंझोला में इसकी शिकायत दर्ज करी। पीड़ित के परिवार का कहना है कि इतने लंबे समय से एफआईआर होने के बाद भी अपहरणकर्ता विष्णु शर्मा के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही। पीड़ित परिवार की मांग है कि उनकी नाबालिग पुत्री को जल्द से जल्द बरामद किया जाए और विष्णु शर्मा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। शुक्रवार को पीड़ित परिवार को लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना समर्थन दिए जाने की घोषणा की और पीड़ित परिवार के शीर्ष नेता डॉक्टर अरविंद कुमार राठौड़ धरना स्थल पर बैठ गए। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार राठौड़ ने बताया कि जी बस आज लोक जनशक्ति पार्टी का समर्थन उस पीड़ित महिला के लिए दिया जा रहा है जिसकी मधुला थाना क्षेत्र काशीराम नगर चौकी काशीराम नगर बी ब्लॉक से 13 साल की बच्ची को आज तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। उसके समर्थन में लोजपा आज मैदान में है, महिला के सम्मान में लोजपा मैदान में है और रहेगी। अगर बच्ची को बरामद नहीं कर पाएंगे तो लोजपा सड़कों पर उतर के धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी, जुलूस भी निकालेगी। तत्काल हम चाहते हैं कि जिन लोगों के नाम पीड़िता ने खोले हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, बच्ची को बरामद किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। जो लोग कार्रवाई प्रशासन में नहीं कर रहे हैं, शासन के बैठे हुए लोग, प्रशासन के बड़े अधिकारी अपनी आंखें ना मूंदे, आंखें खोल करके उन लोगों पर उन पर भी कार्रवाई करें। तो पीड़िता के साथ, गरीब के साथ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उसको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? बच्ची को आज तक बरामद क्यों नहीं किया गया? हम चाहते हैं कि बच्ची को बरामद किया जाए। नहीं, पीड़ित परिवार को समर्थन देने के अलावा आपके द्वारा कोई ज्ञापन किसी पुलिस अधिकारी को? ये बड़े पुलिस अधीक्षक को हम पत्र सौंप रहे हैं आज लोक जनशक्ति पार्टी के माध्यम से, इसीलिए हम यहाँ पर भी धरने पर बैठे हैं। क्या मांगते हैं? हमारी यही मांग है उस बच्ची को बरामद किया जाए। पहले भी महिलाओं को पीड़ित किया गया है काशीराम नगर चौकी के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा, लेकिन वहाँ से कोई प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती है। पिछली बार हमने कम्मू शर्मा के पक्ष में भी एक पत्र एसएसपी को सौंपा था, आज तक उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहाँ मन मर्जी अपनी कार्रवाई करते हैं और पीड़िता का कहना है कि 50,000 रुपये दरोगा जी मांग रहे हैं, तब लड़की को हम बरामद करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और दबाव बना रहे हैं कि यहाँ से धरना प्रदर्शन जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। हम कहते हैं हम समर्थन में हैं, लोजपा मैदान में है, लेकिन धरना प्रदर्शन तभी खत्म होगा इनका जब लड़की को बरामद कर दिया जाए।